लोहे का स्वाद लोहार से नहीं घोड़े से पूछना चाहिए, जो दिन रात उस लोहे की लगाम को अपने दांतों तले दबाए उसके स्वाद को चखता है। यदि शरीर में कोई कष्ट है तो उसकी पीड़ा, उसका दर्द उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जिसने उस पीड़ा को सहा हो। कोई वैद्य या चिकित्सक उस दर्द की असली कहानी नहीं बता सकता। इसलिए शांति का मूल्य भी उनसे मत पूछिए जिन्होंने कभी अशांति या युद्ध के दर्शन ही न किए हों, और जिन्होंने कभी अशांति को झेला ही न हो, जिन्होंने इस अशांति के दंश के उस जहरीले डंक का स्वाद न चखा हो। जिन्हें शांति विरासत में मिलती है वह शांति का मूल्य नहीं बता सकते। वे शांति के भोगी हो सकते हैं और शांति के मूल्य को और शांति की इस धरोहर को अपना निजी स्वार्थ, अपने अहंकार और अपने नाक की वेदी पर रखकर वे अशांति के मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं और मूल्यवान शांति को गंवा देते हैं। आज हम महाभारत के एक ऐसे ही पात्र की बात करेंगे जिसने इस युद्ध में होने वाले विनाश का दंश झेला था और किस प्रकार एक बार फिर से उसके मार्ग पर अशांति यानी युद्ध ने दस्तक दे दी थी। आज हम जानेंगे कौरवों और पांडवों की इकलौती बहन दुशाला के जीवन चरित्र के बारे में। सो कौरवों और पांडवों की इकलौती बहन थी दुशाला। उसका जन्म कैसे हुआ था और उसका विवाह किसके साथ हुआ था, विवाह होने के बाद दुशाला का वैवाहिक जीवन कैसा रहा और दुशाला के पति कौन थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई। दुशाला के सामने महाभारत युद्ध के पश्चात एक बार फिर से ऐसा समय क्यों आया कि उसने स्वयं हथियार उठाकर और अपनी सेना का नेतृत्व करके अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार दिया था। महाभारत कथा के अनुसार महारानी गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त था। जब महारानी गांधारी गर्भवती हुई तो उनके गर्भ में 2 साल तक गर्भ ठहरा रहा, मगर जब गर्भ बाहर आया तो गांधारी के गर्भ में से एक बड़ा सा मांस का गोला जमीन पर आकर गिर गया था। पुत्र प्राप्ति न होने के कारण गांधारी निराश और हताश हो गई थी और इस मांस के गोले को फेंकने का निर्णय लेती है। जैसे ही गांधारी से फेंकने के लिए जाती है वैसे ही सौभाग्य से ऋषि वेदव्यास वहां उपस्थित हो जाते हैं और फिर गांधारी ने सारी घटना का वर्णन महर्षि वेदव्यास के सामने कर दिया। फिर उसके बाद महर्षि वेदव्यास जी ने इस मांस के गोले के 100 टुकड़ों में विभाजित करने का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि इन मांस के टुकड़ों को 100 टुकड़ों में विभाजित होने के बाद अलग अलग मटकों में घी और कुछ रहस्यमय रसायनों के साथ रखा गया और फिर गांधारी ने महर्षि वेदव्यास द्वारा बताए गए उपाय को किया। फिर कुछ समय बीतने के बाद उन मटकियों में से एक एक करके तोड़ा गया और फिर इसी प्रकार 100 कौरवों का जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं एवं विद्वानों के अनुसार जब इस गोलों के 100 टुकड़ों में विभाजित किया जा रहा था तब एक टुकड़ा बच गया था। फिर आगे चलकर इसी बचे हुए टुकड़े के माध्यम से कौरवों की बहन दुशाला का जन्म हुआ था। ये कौरवों और पांडवों में इकलौती बहन थी। बात हो रही है दुर्योधन और कौरवों की इकलौती बहन दुशाला और इसलिए इसे पूरे कुरु परिवार का प्रेम अकेले ही भोगने के लिए मिला। पितामह भीष्म से लेकर विदुर और गांधारी, स्वयं महाराज धृतराष्ट्र और कर्ण के साथ साथ दुर्योधन, दुशासन और पांचों पांडवों का प्रेम भी उसके लिए अभाज्य था। और फिर अभाज्य प्रेम की सौभाग्यशाली कन्या का विवाह किया गया सिंधु नरेश जयद्रथ के साथ। जयद्रथ एक अच्छा राजा था या नहीं इसके बारे में तो हम विचार आज की वीडियो में नहीं करने वाले, परंतु आज की वीडियो में हम ये अवश्य जानेंगे किस जयद्रथ का व्यक्तिगत चरित्र कैसा था। जयद्रथ वही जयद्रथ जिसने द्रौपदी का अपहरण करने की चेष्टा की थी। कोई भी बहन यह नहीं चाहेगी कि उसके पति द्वारा उसकी ही भाभी का अपहरण करने की चेष्टा की जाए। और जिस दामाद, जिस बहनोई को पांडव और कौरव अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे उसी का अपमान करके उसके सिर को गंजा करके छोड़ दिया जाए, तो यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुशाला का वैवाहिक जीवन कोई बहुत ज्यादा सुख में व्यतीत नहीं था, क्योंकि जयद्रथ उसके भाइयों से नफरत करता था। जितनी भाग्यशाली वह हस्तिनापुर में जन्म लेने के बाद थी उतनी भाग्यशाली वह सिंधु देश में बहुरानी बनकर नहीं रह पाई, परंतु अपने कुल की मर्यादा और अपने सगे संबंधी और माता पिता को अपनी ओर से निश्चिंत रखने के लिए उसने कभी भी अपने पर होने वाले दुर्व्यवहार और अपने वैवाहिक जीवन के अत्याचारों का वर्णन कभी भी हस्तिनापुर वासियों के सामने नहीं किया। अभी तो दुशाला का जीवन कैसे तैसे कट रहा था, तभी एक और सौभाग्यवती कहलाने के लायक भी थी, परंतु इसी के बीच में आया महाभारत का भीषण युद्ध, जिस युद्ध ने दुशाला का सब कुछ उससे छीन लिया। इस युद्ध ने दुशाला, जो कभी 100 भाइयों की बहन हुआ करती थी, उसके सभी भाइयों को काल का ग्रास बना दिया और इसी युद्ध ने उसे अपने पति यानी सिंधु नरेश जयद्रथ को भी खोने पर विवश कर दिया। वह समय था जब युद्ध के उपरांत पांडवों ने हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठकर राज सिंहासन को संभाल लिया, परंतु दुशाला कहां जाती, न तो वो
सिंधु देश में सुखी थी और न ही वह हस्तिनापुर अपने माता पिता से मिलने आ सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि सिंधु देश और पांडवों के बीच की शत्रुता की खाई इतनी गहरी है कि वह चाहकर भी अपने माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी से नहीं मिल सकती, क्योंकि सिंधु नरेश जयद्रथ के मरने के बाद राज्य का भार भी दुशाला पर था। अभी उनका पुत्र इतना परिपक्व नहीं था कि वह राज्य को संभाल सके, इसलिए किसी राज्य के प्रतिनिधि होने के नाते हस्तिनापुर नहीं जा सकती थी। महाभारत युद्ध ने दुशाला को इतने दुख दिए कि वह किसी के साथ उन्हें बांट भी नहीं सकती थी। वह इससे भी बड़ा दुख था, युद्ध के दंश को झेलने वाली दुशाला के जीवन में एक बार फिर से एक ऐसा समय आया जब युद्ध ने उसके द्वार पर आकर दस्तक दे दी। और ये कोई ऐसा वैसा युद्ध नहीं था, भीम और अर्जुन के नेतृत्व में हस्तिनापुर की सेना उसके द्वार पर आकर खड़ी थी। हुआ यूं था कि पांडवों ने हस्तिनापुर राज्य की शांति और अपने पड़ोसी राज्यों और रिश्तेदारों को एक बार फिर से संगठित करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, और इस आयोजन का नेतृत्व कर रहे थे अर्जुन और भीम। बिहार उस राज्य के नेतृत्व से बात कर रहे थे जिस राजा ने महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया था या नहीं लिया था, या आप कह सकते हैं ये एक प्रकार से शांति का प्रचार प्रसार था, क्योंकि शांति का प्रचार प्रसार कौन चाहता है यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं। जिसने अशांति और युद्ध की वेदी पर अपने परिवार रिश्ते नातों और अपने जीवन संबंधी सभी सुखों को बलि पर चढ़ा दिया हो, वही शांति की तलाश में निकलता है और वही शांति का मूल्य भी जानता है। इसलिए अर्जुन और भीम इस बार युद्ध नीति के सहारे अश्वमेध यज्ञ नहीं कर रहे थे, बल्कि वह इस यज्ञ के माध्यम से अपने रूठे हुए रिश्तेदारों और उन राज्यों के साथ शांति स्थापित करने की प्रयास कर रहे थे जो आज भी हस्तिनापुर को अपना शत्रु मानते थे। वो चाहते थे जो हुआ सो हुआ उसे भूलकर, परंतु जो भी लोग जीवित हैं वो जिस भी राज्य के नेतृत्व में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी है या वो किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो उनकी सहायता की जाए, उन्हें शांति के मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, उस शत्रुता को समाप्त किया जाए जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की सांसों और हृदय में भी समाती जा रही थी। और इसका सबसे जीवंत उदाहरण मिला सिंधु देश में। हस्तिनापुर की सेना सिंधु देश के द्वार पर खड़ी थी। सिंधु देश के द्वार पर सेना को खड़ा देखकर सिंधु देश के गुप्तचरों ने अपनी राजमाता दुशाला और उनके पुत्र सूरत को ये सूचना दी कि हस्तिनापुर की सेना भीम और अर्जुन के नेतृत्व में उनके द्वार पर खड़ी है। इतना समाचार सुनते ही सबके मन में वही महाभारत युद्ध की यादें ताजा होने लगी। सभी उस भयावह युद्ध के परिणाम से इतने डरे हुए थे और इसी के साथ युद्ध और उनके द्वार पर आकर खड़ा हो गया था। दुशाला, जिसने महाभारत युद्ध में अपने भाइयों और पति के अलावा अपने अनेक रिश्ते नातों को खोया था, वह एक बार फिर से अपने बचे हुए रिश्तेदारों के साथ युद्ध की स्थिति में पहुंच गई थी। दुशाला और जयद्रथ का पुत्र सूरत यह सब सुनकर बेसुध हो गया और सेना का नेतृत्व करने के लिए शत्राणी दुशाला अपने रथ पर आरूढ़ होकर अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करती है और पांडवों का यह संदेश भिजवा देती है, जब तक सिंधु देश का एक एक बच्चा, स्त्री या बूढ़ा व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक आपके और हमारे बीच में शत्रुता बनी रहेगी और वही हमारे बीच में अंतर बना रहेगा। हमारे बीच में वही रिश्ता बना रहेगा जो जीवन और मृत्यु के बीच में होता है। वही रिश्ता हम सब तब तक निभाएंगे जब तक सिंधु देश में एक भी व्यक्ति जीवित है। दुशाला का साहस, राज्य के प्रति इतना प्रेम और समर्पण देखकर अर्जुन और भीम को अति प्रसन्नता हुई, क्योंकि बहन दुशाला अपने राज्य के लिए कितनी गंभीर परिस्थिति में भी युद्ध करने के लिए तैयार है और उनके राष्ट्र प्रेम की वो प्रणाम करते हैं, लेकिन साथ ही वे इस बात से दुखी भी हो जाते हैं जो उनकी इकलौती बहन उनसे इतनी घृणा करती है। उसने है जाने बिना कि हम यहाँ किस कारण से आए हैं और जिन्हें अपनी सेना को तैयार करके युद्ध भूमि के लिए पलायन कर दिया है, परंतु वह जानते थे कि जिस युद्ध के आंगन से होकर दुशाला का जीवन व्यतीत हुआ है उसके उपरांत यह सोचना कोई बड़ी बात नहीं। उसके उपरांत युद्ध भूमि में दोनों भाइयों ने इकट्ठे होकर दुशाला के समक्ष गए और दुशाला से अपने आने का प्रयोजन बताया। थोड़े समय तक तो दुशाला अपने आप को रोके रखती है, परंतु अपने भाई उससे मिलने का उसके मन में जो कई वर्षों से विचार चल रहा था उसके सामने वह अपने भाइयों की ओर खींची चली जाती है और एक बार फिर वह अपने जीवित बचे भाइयों से मिलकर अति प्रसन्न होती है। और इसके उपरांत वह अपने मायके यानी हस्तिनापुर में भी जाती है और इस शांति यात्रा का हिस्सा भी बनती है। अपने पिता धृतराष्ट्र से मिलने और अपनी माँ गांधारी से मिलकर वह बड़ी प्रसन्न होती है। उसके बाद उनका पुत्र सूरत को सिंधु नरेश घोषित कर दिया जाता है और पांडवों की देखरेख और पांडवों के संरक्षण में सिंधु देश एक बार फिर से तरक्की की राह पकड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।